आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान के दूसरे प्रकार व्यवहारिक शोध अथवा अनुसंधान। कल हमने विशुद्ध शोध के बारे में पढ़ा था, तो फ्रेस्टिंगर तथा काज ने बताया है कि जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है एवं नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे व्यवहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। हार्टन तथा हंट ने बताया है कि जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है, तो इसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, ज्ञान की खोज का लोगों की आवश्यकताओं एवं कल्याण के साथ एक निश्चित संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक यह मानकर चलता है कि समस्त ज्ञान मूल तो उपयोगी है, चाहे उसका उपयोग निष्कर्ष निकालने में या किसी क्रिया अथवा व्यवहार को क्रियान्वित करने में, एक सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने में किया जाए। सिद्धांत तथा व्यवहार अक्सर आगे चलकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो व्यवहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से है। इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में समझने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज सुधार, धर्म शिक्षा, सामाजिक अधिनियम, मनोरंजन आदि के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में तो उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सांप्रदायिक, प्रजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों की समस्या आदि के क्षेत्रों में व्यवहारिक शोध को उपयोगी माना जाता है। व्यवहारिक शोध में इन सब के संबंध में अध्ययन किया जाता है और तथ्यों की कारण सहित विवेचना की जाती है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि व्यवहारिक शोध के अंतर्गत समाज सुधार, नीति निर्माण, सामाजिक नियोजन, सामाजिक समस्याओं का समाधान आदि नहीं आते हैं। ये सब तो समाज सुधारकों, नेताओं, प्रशासकों, अधिकारियों आदि के क्षेत्र में आते हैं। व्यवहारिक शोधकर्ता तो सामाजिक समस्याओं, परिस्थितियों तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण कर तर्कयुक्त ज्ञान के रूप में इनके कार्य में सहयोग देता है। तो व्यवहारिक शोध का लक्ष्य ये होता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का प्रशासक, राजनेता, नीति निर्माता उपयोग करते हैं उन समस्याओं के समाधान में। व्यवहारिक शोध के बारे में आगे स्टाउफर ने लिखा है कि यदि समाज विज्ञानों को अपना महत्व बढ़ाना है तो उन्हें अपने व्यवहारिक शोध को सफल बनाना होगा। व्यवहारिक शोध सामाजिक विज्ञानों को तीन रूपों में महत्वपूर्ण योग देता है। कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार समाज के लिए उपयोगी हैं, इस बारे में विश्वसनीय प्रमाणों को प्रस्तुत करके। नंबर दो, ऐसी विधियों का उपयोग एवं विकास करके जो कि विशुद्ध शोध के लिए भी उपयोगी प्रमाणित हों, तथा ऐसे तथ्यों व विचारों को प्रस्तुत करके जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। विशुद्ध एवं व्यवहारिक शोध दोनों ही समाज के लिए उपयोगी हैं। विशुद्ध शोध में सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का
तो व्यवहारिक शोध में व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के शोध एक दूसरे के विकास में योग देते हैं। जहाँ विशुद्ध शोध सिद्धांत एवं नियमों को ज्ञात करता है, वहाँ व्यवहारिक शोध वास्तविक जीवन के संबंध में ज्ञान संकलित करता है। सिद्धांत एवं नियम विभिन्न समस्याओं को समझने और उनके हल खोजने में मदद करते हैं, जबकि इन सिद्धांतों व नियमों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का पता व्यवहारिक शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही होता है। व्यवहारिक शोध के अंतर्गत प्राप्त किए गए नवीन तथ्य मौजूदा ज्ञान के संशोधन एवं प्रवर्धन में योग देते हैं, साथ ही सिद्धांतों के परीक्षण के लिए अवसर प्रदान करते हैं। व्यवहारिक शोध प्रत्येक विषय से संबंधित धारणाओं का वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन कर स्पष्ट करता है कि ये धारणाएं कहां तक उपयुक्त हैं। साथ ही व्यवहारिक शोध के अंतर्गत जिन शोध विधियों का विकास किया गया है, उनका विशुद्ध शोध कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। विशुद्ध शोध का व्यवहारिक शोध को दिया जाने वाला योगदान भी किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशुद्ध शोध के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत अनेक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में योग देते हैं। इससे समस्याओं की गहराई तक पहुंचने एवं समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। साथ ही विशुद्ध शोध किसी समस्या के हल के वैकल्पिक तरीके ढूंढ निकालने में भी योग देता है। आज सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में विशुद्ध शोध के महत्व को स्वीकारा गया है। इसी के परिणामस्वरूप वहाँ शोध विभाग देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विशुद्ध व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के शोध एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विकास में सहायक हैं। दोनों में निरंतर अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए। तो ये हमने दूसरा व्यवहारिक शोध के बारे में जानकारी प्राप्त की। तीसरा जो शोध का प्रकार है, क्रियात्मक अनुसंधान अथवा शोध।